मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की जेल और काटनी होगी। इस मामले में उनके बेटे को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि अनिल देशमुख से अभी और पूछताछ करनी है, इसीलिए ईडी की हिरासत बढ़ाई जाए। फिलहाल उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को 1 नवम्बर को करीब 12 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब स्पेशल कोर्ट ने देशमुख को 6 नवम्बर तक ईडी की हिरासत में भेजा था। वहीं इस मामले में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।